हाँ तो भाई और बहनों, इंडिया मौत के खेल के फाइनल में पहुंच चुकी है। इंडिया क्वालिफाई कर चुकी है। दे हैव डिलीवर्ड, वेदर इट्स विद बैट, विद बॉल, विद फील्ड, पूरा गेम प्लान लेके उतरते हैं वर्ल्ड कप में। लग रहा है कि हाँ भाई, यही डिजर्विंग टीम है, चैंपियन टीम है। पूरे गेम प्लान के साथ आती है, सारा अपना गेम प्लान सारे टिक करती है बॉक्सेस और आराम से बैठे फाइनल खेल रहे हैं। यार वो लोग अनबीटन चल के फाइनल खेल रहे हैं। न्यूजीलैंड को एक ही टूर्नामेंट में दो दफा हरा दिया, दो दफा। कहां ये न्यूजीलैंड से आके डायरेक्ट सेमीफाइनल में या नॉकआउट्स में आके हारा करते थे, कहां एक ही टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड को दो दफा हरा दिया और दोनों दफा कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री। ऐसा नहीं कि क्लोज गेम गया, बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली आराम से जीते बिल्कुल। मतलब ये देखो, ये डिजर्विंग टीम है। अब आपको मानना पड़ेगा ये, ठीक है। मैं भी कहीं ना कहीं होता है कि यार नहीं यार ये थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन अब मानना पड़ेगा यार, वो बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग अपने गेम प्लान से जिस तरह वो आगे डिलीवर करते हैं, जिस तरह उनकी कम्युनिकेशन है उससे वो बता देते हैं कि हाँ भाई हम लोग गेम प्लान के साथ आए और इस पे हम चलेंगे तो हम मैच जीत जाएंगे। राहुल द्रविड़ जो बैठे हुए हैं पीछे, वो अपना जो गेम प्लान उन्होंने दिया रोहित शर्मा को कि भाई ऐसे ऐसे चलने, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, ये सब मिलके जो टीम के जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो मिलकर डिलीवर करते हैं, जो यंग लड़के उनको साथ लेके चलते हैं और फिर वो मैच जीतते हुए चले जाते हैं। अगर ये टूर्नामेंट जीत गए क्योंकि देर इन द फाइनल, देर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम द ग्लोरी। वर्ल्ड कप जीतने से सिर्फ एक स्टेप, अगला मैच तो जीतना है। साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया बैठे हैं आराम से वर्ल्ड कप के फाइनल में वेट कर रहे हैं कौन आता है। तो भाई ये हो जाएंगे इस वक्त अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, ठीक है। क्योंकि इस वर्ल्ड कप में इनका किसी टीम के पास जवाब ही नहीं था कि कोई हो ना टीम बोले कि यार हमने इनको हराया, कम से कम हमें पता था कैसे हराना है, या कोई टीम ये बोले कि हम बहुत क्लोज आके हारे, बहुत छोटे मार्जिन से हारे, या गेम बहुत क्लोज गया। गेम क्लोज ही नहीं गया, आज भी कॉम्प्रिहेंसिवली जीत गए यार, ठीक है। मतलब 80-90 रन से इन्होंने न्यूजीलैंड को आज भी हरा दिया, मतलब ये। और न्यूजीलैंड वर क्रूजिंग, ऐसा नहीं न्यूजीलैंड डाउन एंड आउट थी, न्यूजीलैंड वर क्रूजिंग, ठीक है। केन विलियमसन और डेरिल मिचेल की जो पार्टनरशिप लगी हुई थी ना, अगर वो 30 रन का स्टैंड और आ जाता, अगर केन विलियमसन वापस नहीं जाता, ये मैच खत्म हो गया था न्यूजीलैंड की तरफ। क्योंकि अगर आखिरी के 10 ओवर के अंदर इंडिया ने 110 रन बनाए अपने आखिरी के 10 ओवर में, मैं कहता हूं अगर न्यूजीलैंड को आखिरी के 10 ओवर में 120 रन भी चाहिए होते, 125 रन भी चाहिए होते, और न्यूजीलैंड की बची हुई थी पीछे 8 विकेटें, ये न्यूजीलैंड बहुत प्यार से, क्योंकि तब ग्लेन फिलिप्स भी आगे जो ना बल्ले घुमाता, चैपमैन भी बल्ले घुमाता, और बल्ले घुमाने में इक्का दुक्का लग ही जाते हैं। तो ये इंडिया की स्केल है, ये आपको मानना पड़ेगा कि जिस तरह रोहित शर्मा शामी को लेकर है, और पर शामी का दिमाग यार 7 फॉर मार रहा है उसने आज, 7 फॉर या आम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। सेमीफाइनल में आकर उसने 7 विकेटें ले ली। अब मैच तुम्हारे सामने यार, देखो कितने प्यार से उन्होंने गेम प्लान बनाया कि रोहित शर्मा ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करी। बैटिंग क्यों की? क्योंकि वर्ल्ड कप के अंदर जो है बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो इनका विन रेशो 100%। उन्होंने कहा बैटिंग करेंगे जो हमारी स्ट्रेंथ है, ठीक है। उसके बाद रोहित शर्मा का जो देखो इस जो टोटल दिया उन्होंने 398 का, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट इनिंग्स मुझे लगी है ना, दो इनिंग्स है जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसने इस स्टेज पर लाकर इंडिया को खड़ा किया। एक था वो रोहित शर्मा का अर्ली बर्स्ट, और नीचे थे श्रेयस अय्यर की बैटिंग। विराट कोहली की सेंचुरी, चलो सही है 50th सेंचुरी है, बहुत बड़ा नाम है विराट कोहली, उन्हें 50th सेंचुरी है, मतलब उसने सेंचुरीज की हाफ सेंचुरी कर ली, बहुत बड़ी बात है। लेकिन उससे जो बड़ा काम किया ना वो रोहित शर्मा ने किया है। रोहित शर्मा चाहता ना इस टूर्नामेंट में कुछ नहीं तो अपनी 5 से 6 सेंचुरीज रजिस्टर करवा के आता, और उसके पास वो मौका था कि भाई मैं अपनी सेंचुरी, लेकिन क्या कैप्टन है, उसको अपनी जिम्मेदारियों का पता है, उसको पता है ये आखिरी मौका है उसके पास वर्ल्ड स्टेज पे शाइन करने का, कि बस ये है, ये मुझे एक जिम्मेदारी में जितवा के जाना है। वो आते के साथ ही उसने अपने कंधों पे जिम्मेदारी ली कि वो बच्चा जो खेल रहा है मेरे साथ वो देखे और वो सीखे, क्योंकि वो इंडिया का फ्यूचर है। जो काम आज मैं कर रहा हूं वो आने वाले 10 साल वो बच्चा करे। उसने आते अपना बल्ला खोल दिया यार, पहले ओवर में ही उसने चार्ज करना शुरू कर दिया। इस टूर्नामेंट के जितने भी इंडिया के स्कोर्स हैं, आप हाई स्कोरिंग मैच देखो, उन सबका जो एक जो प्लेटफॉर्म है वो रोहित शर्मा ने सेट किया है। आज भी यही किया, 29 बॉलों पे 47 रन यार, 29 बॉलों पे 47 रन, ठोक पीट के भाई एक स्टेज सेट हो गया कि हाँ भाई ये है, आने वाला जो नया बैट्समैन है वो अब 1 ओवर पी जाए 2 ओवर पी जाए कोई बात नहीं, उसके पास मौका है कि भाई रन जितने हैं यहाँ पे। तो रोहित शर्मा ने वो एक जो इनिंग्स है ना, जो मैं कहता हूँ कि इस स्कोर के अंदर जो एक सेटअप बिल्ड किया वो रोहित शर्मा का है, तो इसीलिए मैं विराट कोहली से ऊपर रोहित शर्मा को दूंगा, ठीक है। फिर वो शबनम गिल, वो जब तक सेंचुरी नहीं मारेगा उसको मैं शबनम गिल ही बोलूंगा, तुम लोगों को जो करना है तुम कर लो, उसको नहीं है भाई गरज, आराम से खेल लेता इतना ईजी होके यार, सेंचुरी की तरफ जा रहा था पट्टे खिंचवा के बैठ गया, तुझे शर्म नहीं आती? आज तो वो भी आई हुई थी पापा के साथ अपने देखने के लिए, तूने उसके सामने सेंचुरी नहीं मारी, तुझे शर्म नहीं आई? जा भेज उसको रोजेज और जाके सॉरी के नोट वोट भेजते रहे, डेरी मिल्क भेजो बबली मेरी तरफ से, समझ रहा है, मिली होंगी तुझे दिवाली पे बड़ी, मुझे सब पता है। तो शुभमन गिल अपने पट्टे खिंचवा के गए, तो नीचे से श्रेयस अय्यर आ गया, श्रेयस अय्यर और विराट कोहली ने मिलकर कमान संभाली, वो एक पार्टनरशिप लगाई और इंडिया को आगे टोटल की तरफ लेके गए। विराट कोहली ने अपनी 50th सेंचुरी भी पूरी कर ली है, मतलब सेंचुरीज की हाफ सेंचुरी यार, उस आदमी के करियर में 5000 रन तो सिर्फ सेंचुरीज के हैं, ओडीआई रन ना,
और 50th ODI वहाँ सचिन तेंदुलकर भी बैठे हुए थे। सचिन तेंदुलकर को उसने यूं किया, वो बैठे हुए थे ऊपर, उसको पता था कि भाई कितना भी बड़ा बन जाओ आपसे बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि जिस एरा में सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरीज की हैं उस एरा में, लेकिन फिर भी 50 सेंचुरीज या सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ओवरटेक कर लिया, ना सिर्फ आगे बढ़ा बल्कि उसने बताया कि हाँ भाई मॉडर्न डे में वहाँ हम ही हैं, हमारे अलावा कोई भी नहीं है। और आज भी एक उनके वो एक बल्ली भी हट गई है कि क्रूशल मैचेस में नॉकआउट स्टेज में कोहली रन नहीं करता, उसने सेंचुरी मार दी, एक और एक उसने ना मार का अंजाम दे दिया है। और मेरे ख्याल से उसके करियर में और कुछ उसके पास फिलहाल अब अचीव करने को नहीं सिवा वर्ल्ड कप के, और हम ज्यादा उसके बारे में बात भी नहीं कर सकते क्योंकि अभी आ गया वन ऑफ द ग्रेट्स में। जिस तरह सचिन तेंदुलकर ऊपर बैठा हुआ था और विराट कोहली नीचे खड़ा होकर उसको देख रहा था, कल को एक टाइम आएगा जब विराट कोहली वहां स्टैंड्स में बैठा होगा और नीचे से कोई लड़का उसको देख रहा होगा ऊपर, क्योंकि देखो रिकॉर्ड तो बनते हैं टूटने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये रिकॉर्ड इंटैक्ट है अगले कुछ नहीं तो 15-20 सालों के लिए, अगर कोई ऐसा प्लेयर ना निकल के आ जाए विराट कोहली के भी ऊपर की चीज हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिकॉर्ड अब इंटैक्ट है जो विराट कोहली का बन गया, ये 20 साल तो बड़े प्यार से खींच जाएगा, हो सकता है 50 साल भी खींच जाए। ओडीआई में 50 सेंचुरीज आसान बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात है। और आज विराट कोहली ने अपनी इनिंग्स में एक और पुरानी चीज दिखाई, अब तुम लोग तो देखते हो उसकी हिटिंग, तुम उसकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स देखो। आज उसने 24वें ओवर की चौथी बॉल पे लोकी फर्गसन की बॉल को ऐसे पीछे टैप करके डबल भागा। अबे तुम उसका डबल देखो, एक तो उसकी स्पीड देखो और फिर जब वो डबल रखने के लिए यू बैट आगे किया ना, तो देखो तो कितने यू प्यार से ऐसे लेटा है और वापस खड़ा हो गया। मतलब यार तुम उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, तुम उसका एथलेटिसिज्म, तुम देखो तो यार उसकी बॉडी किस लेवल की चल रही है। अभी वो मेरे ख्याल 33 या 34 साल का है, तुम 23 साल का कोई लड़का उठा लो, 24 साल का कोई लड़का उठा लो और कंपेयर कर लो जिस तरह से विराट कोहली सिंगल ले रहा है, डबल ले रहा है, जिस तरह से भाग रहा है, मुझे नहीं लगता कोई भाग पाएगा। यार तुम देखो तो यूं वो लेटा है, उसने यूं क्रीज में बैट रखा है और वैसे यूं खड़ा होकर वापस भाग गया, स्प्लिट सेकंड के अंदर उसने यूं बैट रखा और वापस। मतलब तुम एक तो उसकी रनिंग देखो, फिर रनिंग के बाद उसके तुम देखो उसके घुटनों में कितनी जान है, उसके पैरों में, कि मतलब वो उसने ब्रेक लगाया, यूं नीचे लेटा बैट रखा, वापस उठ के यूं वापस भाग गया, तुम वो स्लो मोशन में देखो, इट वुड बी लाइक पोएट्री टू यू गाइस। तो ये चीज भी है। बाकी ये है कि फिर वो श्रेयस अय्यर ने भी नीचे से फिर आके सेंचुरी मार दी विराट कोहली के साथ, विराट कोहली आउट हो गया, नहीं उसने 150 का स्ट्राइक रेट पर उसने सेंचुरी मारी, 150 का स्ट्राइक रेट, यार कोई मजाक है यहाँ पे, हद हो गई, पागल हो गए थे सारे ना जाहिल जंगली। उसके अंदर फिर वो शेट्टी के दामाद ने 104 मीटर का छक्का, मेरा तो दिमाग खराब हो गया भाई, 104 मीटर का छक्का। सूर्य कुमार यादव आज रन नहीं कर पाए तो लोग मुझे बोलने के तूने तो कहा था सूर्य कुमार यादव भी रन करेगा, अभी जब उसको आखिर के दो ओवर दोगे तो क्या मतलब, क्या यहाँ पे वो स्टिक क्रिकेट चल रही है, मिनी क्लिप क्रिकेट चल रही है यहाँ पे, उसको देते आखिरी के 10-15 ओवर वो भी मारता उठा उठा के। यार इनका दिन था आज प्रॉपर यार, मतलब बैटिंग वैटिंग फुल कर रहे हैं खतरनाक। फिर इनकी बॉलिंग आई, बॉलिंग के अंदर बुमराह की थोड़ी शुरू में कुटाई लग रही थी, सिराज की कुटाई लग रही थी, बट देन अगेन एक ही आदमी है, उसका नाम है मोहम्मद शामी, 7 विकेट लेके गया है वो, 7 विकेट, द ओनली सेकेंड इंडियन बॉलर टू टेक 6 विकेट इन अ वर्ल्ड कप मैच, हाईएस्ट विकेट टेकर बन गया जो वर्ल्ड कप का, सही है, 6 मैचों में 23 विकेट हो गई, 23 विकेट। अब सोचो ये पिछले के जो मैचेस थे इसके वो भी खेलता, जो बाकी के मैचेस थे शुरू में नहीं खेला, जिसको वो ऑलराउंडर के चक्कर में इसको बिठा दिया, तो सोचो ये उस वक्त भी विकेट ले। अबे 3 तो फाइफर हैं इसके, 3 फाइफर हैं वर्ल्ड कप में, लोगों के एक नहीं हो पाते, इसके 3-3 हो गए हैं, आता है विकेट लेता है चला जाता है। कैच छूटा था मुझे पता है, कैच जब इससे छूटा था ना मुझे लगा दादा अगर ये मैच गया ना शामी तो गया, शामी को बहुत गालियां पड़ेंगी अगर ये मैच अगर इनसे चला गया, लेकिन उसने कंपनसेट कर दिया, एक एक ओवर में 2-2 विकेट लेके जा रहे हैं। न्यूजीलैंड की टीम को उसने अकेला खाया यार, बैठ के अकेला खा गया टीम को। ये मैं क्या, अल्लाह ताला डाउनफॉल जैसा भी हो मुझे कमबैक ऐसा चाहिए, इस बंदे जैसा, बल्कि इससे भी अच्छा वाला चाहिए मुझे, ये कमबैक है यार लड़के का। देखो तो अपनी लाइफ में वो कहां गिरा होता, अगर पर्सनल जिंदगी से कनेक्ट किया जाए तो ये तो मेरे ख्याल से बायोपिक बनाओ इस पे, तो क्या थी जिंदगी इसकी और अब क्या हो गया, 7 विकेट लेके जा रहा है यार। अब तुम आगे बोलोगे कि ये जो है ये पिच चेंज कर दी और ये मैच जो है वो न्यूजीलैंड को हरवाने के लिए ये था। अबे भाई देखो दोनों टीमों के लिए इक्वल चांस होता है, पहले हम मैच की बात करते हैं। और न्यूजीलैंड वर क्रूजिंग, वो ये मैच लेके जा रही थी, तुम्हें विलियमसन की विकेट लग रही होगी कि विलियमसन जो है वो बॉले पी रहा था। अबे विलियमसन और डेरिल मिचेल गेम को डीप लेके जा रहे थे, इंडिया ने अपने आखिरी 10 ओवर में 110 रन बनाए, ठीक है। अगर न्यूजीलैंड की, चलो मुझे तुम बताओ, अगर न्यूजीलैंड की उस वक्त कोई विकेट नहीं गिरी होती जब केन विलियमसन आउट हुआ और 30 रन एक्स्ट्रा जुड़ जाते और ये स्कोर और डीप चला जाता, मैं तुम क्या ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते थे कि ये आखिरी के 10 ओवर में 120-130 रन बना लेंगे? अबे बना लेते, ये कर लेते, वो तो शुक्र है विलियमसन आउट हो गया, नहीं तो ये न्यूजीलैंड बड़े प्यार से लेके जा रही थी। इनकी हालत है, रोहित शर्मा की शक्ल देखो, उसको खुद पता था कि ये मैच जा रहा है,
डेरिल मिचेल तो बेचारा आखिर में इसलिए आउट हुआ है ना कि उसने कहा कुछ बचा ही नहीं है, मैं बस बल्ला घुमाता हूँ। अगर उसके साथ कोई साथ देने वाला होता ये मैच कब का, क्योंकि फिर चैपमैन भी बल्ला घुमाता, ग्लेन फिलिप भी बल्ला घुमाता, कुछ ना कुछ कनेक्ट होके ना इधर उधर गेम और क्लोज हो जाता। तो वो विलियमसन गया है, ये लोग जीत रहे थे, वो तो शामी ने आके इनको बचाया, नहीं तो ये तो निपट गया था मैच भाई। अब लोग आके ये बोलेंगे कि भाई ये देखो पहले वो बॉल वाला बहाना था कि बॉल में चिप लगी हुई है, मतलब दिमाग खराब है, आईसीसी वाले तो बेवकूफ बैठे। मैंने जैसा को तुम इतनी बड़ी चीज समझ रहे हो, इतनी बड़ी है नहीं वो, तुम पता नहीं उसको क्या समझ रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं है, बीजेपी थोड़ी है आईसीसी। उसके अलावा भाई आज एक और चिरांद आई थी कि वो पिच चेंज कर दी है, ये हो गया वो हो गया, काफी गोरे वोरे सारे तरह हाइप डप हुए थे कि ये क्या हो गया, उसके चक्कर में हमारे वाले भी उड़ गए कि हम नहीं छोड़ेंगे बीसीसीआई को। देखो अव्वल तो ये हमारा मैटर नहीं है कि पिच चेंज कर दी या नहीं कर दी, हम तो सेमीफाइनल ही नहीं खेल रहे, तो हम किस मुंह से उनका केस लड़े, न्यूजीलैंड वाले लड़ लेंगे अपना केस, ठीक है, वो आपसे ज्यादा स्ट्रांग है, वो सेमीफाइनल खेल रहे हैं, आप जो हो ना क्वालिफाई तक नहीं गए हो, आपका कैप्टन आज चेंज हुआ है, ठीक है, हमें उसको देखना है, तो आप मत केस लड़ो उनका, वो अपने लिए कर लेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर पिच चेंज हुई भी है तो वहां आईसीसी के ऑफिशियल्स हैं, वो सब कुछ है, वो देख लेंगे, आपको जरूरत नहीं है उनके लिए लड़ने की, आप छोड़ दो, ये हमारा मैटर नहीं है। देखो मुझे भी थोड़ा हुआ था कि यार पिच चेंज कर दी इस तरह से ये वो, लेकिन फिर मुझे हुआ कि भाई उनका मैटर है, वो लोग डिसाइड कर लेंगे, सेमीफाइनल उनका, अगर हमारा होता सेमीफाइनल और फिर चेंज और फिर पिच चेंज हुई होती तो फिर मैं बोलता कि यार ये क्या हो गया, हम तो सेमीफाइनल में है ही नहीं, तो हम किस मुंह से बोल रहे हैं, आप आराम से बैठो मेरे भाई, हम नहीं बोल सकते अब। बाकी अगेन इंडिया प्लेड लाइक अ चैंपियन टीम, दे डिजर्व दिस वर्ल्ड कप, इवन इफ दे लूज द फाइनल दे हैव आर रिस्पेक्ट कि यार अनबीटन गए और फाइनल नहीं जीत पाए, कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरह से टूर्नामेंट डोमिनेट करके गए ना फाइनल के अंदर, देख रहे हैं सामने कि यार इनकी टीम है, इनकी बॉलिंग यूनिट, इनका बैटिंग यूनिट, इनकी फील्डिंग, इनकी कम्युनिकेशन होती है ना टीम मेट्स के बीच में कि भाई रोहित शर्मा ने एक चीज बोली है तो विराट कोहली ने एक चीज बोली है, दोनों आके कंसल्ट कर रहे हैं, पीछे से बुमराह भी आके अपना दे रहा है, तो वो सब मिलके है ना बना रहे गेम प्लान के भाई उस पर अटैक करना है। तो मेरे ख्याल से ये ऐसी चलती है मेरे भाई, टीम जीतती है ऐसे गेम प्लान से, साथ में मशवरे करके, एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस है। तो अब ये है कल दूसरा मौत का खेल है, मौत का खेल कल ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का, दो गोरी चमड़ियां लड़ेंगी और हम यूं बैठ के दोबारा सीनो पीछे बैठ के मजे लेंगे। वैसे पता है क्या, जब आप टूर्नामेंट से आउट हो जाते हो ना तो आपको ये वाली चीज देखने में बड़ा मजा आता है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है कि अब हमें टेंशन नहीं हो रही कि हम हार जाएंगे हमारे साथ ये हो जाएगा, अब हम बैठे आराम से ना कि जो जीते जो हारे हमारी बला से। तो ये चीज है। इन अदर न्यूज, बाबर आजम ने कैप्टनसी से रिजाइन कर दिया है और आई रियली विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर, और अब मैं चाहता हूं कि बाबर आजम पाकिस्तान के वन ऑफ द ग्रेट बैट्समैन बने। बाबर आजम ने बड़ा अच्छा सर्व किया है एज अ कैप्टन, और जाहिर है ठीक है वर्ल्ड कप के अंदर आके चोक कर जाते थे, ये हो जाता था वो हो जाता, लेकिन इसमें ये भी कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है कि बाबर आजम जो है टीम को नंबर वन रैंकिंग पे लेके गया, लेके तो गया ना, जैसी भी लेके गया टीम नंबर वन थी, ठीक है, बाबर आजम ओडीआई का नंबर वन बैट्समैन था, इंशाल्लाह जरूर दोबारा बनेगा। और इसमें यह है कि शाहीन आफरीदी को T20 का कैप्टन बना दिया गया है। अब मुझे टेंशन ही है कि शाहीन आफरीदी के घुटने तो शार्ट चलते रहते हैं आए दिन, तो वो कैप्टेंसी क्या करेंगे। शान मसूद को टेस्ट कैप्टन बना दिया है, शान मसूद टेस्ट कैप्टन, मुझे खुद समझ नहीं आ रही, जितने आप लोग बाउल हुए उतना मैं भी हुआ हूँ कि शान मसूद टेस्ट कैप्टेंसी ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, हमारा शॉर्ट बॉले मार मार के मिचेल स्टार्क हमारे मुंह तोड़ देगा और शान मसूद के पास जवाब क्या होगा। खैर एक वो चीज है, अब ओडिया का कैप्टन कौन है ये नहीं पता, लेकिन बाबर आजम के लिए है कि अब तू जानी तू बन दुनिया का बेस्ट बैट्समैन, अब इसका कमबैक आ रहा है आप लोग देख लेना, अब ये लगा देगा आग, अब आप लोग देखना अभी अपनी फॉर्मर ग्लोरी पे, अब आपको कवर ड्राइवें भी मिलेंगी, आपको कवर के छक्के भी मिलेंगे, आपको मिड ऑन मिड ऑफ के छक्के भी मिलेंगे, मिड विकेट के आपको सब मिलेगा, अब आप देखना बाबर आजम करेगा क्या। तो खैर है बाबर आजम, अब आप करोगे अपना करियर, आप एज अ बैट्समैन आप फोकस करो, आप तोड़ दो टीमों को, ठीक है, अब ये टेंशन नहीं होगी कि भाई टीम हार रही है जीत रही है, आप अपना गेम खेलोगे। और आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। बाकी ये है कि कल दूसरा मौत का खेल है, तो लेट्स सी क्या होता है।